मुझे पता नहीं कौन था, कोई मुझे हाई किया, पर मेरा क्या वो लाइव डिसकनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू के कारण, मेरा जो राउटर था ना वो डिसकनेक्ट हो गया था। बट एनीवे, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई बात करनी हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो सेंटर पे जाकर, या किसी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ हो। यार एक और चीज़ है, मेरे को ऐसे जयपुर साइड का या किसी एरिया का ना ऐसा इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास कि उस साइड पेपर वगैरह लीक हुआ नीट का, पर ये सब मुझे लगता है कि एक अफवाह टाइप से होता है, पर देखो एक दो दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। बट आई होप कि बेहतर हो सब कुछ, क्योंकि यार एक स्ट्रेस, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा होता है एग्ज़ाम हो गया उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया दोबारा देना ना, तो वो स्ट्रेस एकदम बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो होना है एक बार में पूरा क्लियर हो जाए तो बेहतर रहता है। देखो यार आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कह रहे हैं भैया आज क्या MBBS अब्रॉड के लिए बात करने हैं। नहीं भाई, MBBS अब्रॉड के लिए बात नहीं करने हैं, आज हम बात करने हैं स्पेशली कि तुम लोग का नीट का एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे भैया नीट के एग्ज़ाम के बाद देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। पर मेन चीज़ तो ये है कि देखो एक बार नीट एग्ज़ाम हो गया है तो फिलहाल तो एक दो दिन रिलैक्स रहो और कुछ स्ट्रेस मत लो, बर्डन मत लो, और बस काम डाउन हो जाओ यार कि बस एक साल तुमने बहुत मेहनत किया है, एक साल एक बहुत अच्छी चीज़ों को दिया है, टाइम दिया है चीज़ों को दिया है, उसके बाद अब फिर से एक नया स्टार्ट करना है। इवन या तो कहीं कॉलेज मिल जाए तो बेहतर है, बहुत बेहतर है, और अगर नहीं कॉलेज मिलता है, कुछ स्टूडेंट इसके बाद भी ड्रॉप लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, माइंड सेट को बनाओ, प्रिपेयर करो, एक जोश मत करो, तुरंत से एक सिस्टम से निकलो दूसरा सिस्टम में घुस जाओ वो मत करो, बस रिलैक्स हो, अपने माइंड सेट को चूज़ करो अच्छे से। और एक बेस्ट, मतलब ये स्टेज ऐसा होता है ना जैसे कि टेंथ के बाद साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है वो तो डिपेंड करता है, उसी तरह से जब एक बार नीट एग्ज़ाम दे देते हैं ना तो उसके बाद होता है कि भाई कॉलेज मिल रहा है तो फिर क्या होगा, अगर कॉलेज मिल गया तो बेहतर है, अगर कॉलेज नहीं मिला, जैसे बच्चों को कॉलेज नहीं मिलते हैं उसको ऑप्शन होता है कि ड्रॉप करना है कि नहीं करना। अगर जो बच्चा ड्रॉप कर रहा है उसके लिए तो भाई ऐसा होता है कि हाँ भाई अगला टाइम मुझे लगता है कि फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है, वो लेके चलता है। जो बच्चा ऐसा होता है कि यार हाँ मेरा 200-300 नंबर आ रहा है, आगे चल के 400-500 आ जाएगा, भाई एकदम लगता है ना कि हाँ अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं तो कर लूँगा, तब उसमें कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, लग रहा है कि भैया अटक जाएंगे, तो भाई टाइम वेस्ट मत करो, MBBS इतना ईजी नहीं है। कोई तो मुझे मैसेज किया है, वो मैं देखता हूँ। हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, कैसे हो बताओ, क्या चल रहा है, कैसा गया तुम्हारा नीट एग्जाम, एग्जाम था तुम्हारा? कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे मतलब स्ट्रीम पे ज्वाइन किया, मेरे मतलब चैनल पे वो भी हैं जो कि 12th के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे थे। बहुत अच्छा, चलो बढ़िया यार, चलो मतलब अगर कोई अगर ये आके कहता है ना कि एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा गया, मज़ा आ जाता है सीरियसली। बाकी अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का पूछना हो, यार एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहता था कि अभी मेरे को कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि नीट एग्ज़ाम्स का जो पेपर था वो लीक हो गया है। देखो यार इस वहम में मत रहो कि पेपर लीक हो गया है, आगे क्या होगा नहीं होगा, एक बार तुमने जो दे दिया सो दे दिया। हाँ 625, देखो यार 625 तो मेरे अनुसार से मानना ही है भाई, काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो कूल डाउन हो जाओ एकदम। कौन से स्टेट से हो और क्या कैटेगरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है यार। देखो 625 तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, सीरियसली काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर फिर भी तुमको अगर कोई मतलब अगर ऐसा होता है कि काउंसलिंग में कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मुझे बताना, आई कैन हेल्प यू बेटर, क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे सीनियर्स हैं जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने कॉलेज ले रखा है तो उनको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों का, और वो बैठते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों को मदद करते हैं। अगर काउंसलिंग के टाइम में कोई मदद चाहिए होगा तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं नंबर दिया हुआ उसमें, ठीक है। कैटेगरी क्या है तुम्हारी, कौन सी कैटेगरी में? OBC, ST, SC किस में आते हो? और कुछ कई बार तो स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट से हो, क्योंकि हर स्टेट्स में सीट्स वगैरह बहुत वेरी करते हैं।